सुनील सोनी एयरपोर्ट पहुंचे और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। सांसद सुनील सोनी ने चर्चा के दौरान कहा कि एक अच्छी व्यवस्था यहां पर की गई है। कुछ परिवर्तन को लेकर मैंने कहा कि टेस्टिंग बाहर में की जाए और साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग के लिए हर जगह स्टिकर लगाए गए हैं, संपूर्ण सैनिटाइजर की व्यवस्था की जा रही है और अगर कोई व्यक्ति हड़बड़ी में आता है और उसके पास सैनिटाइजर नहीं है तो यहाँ बाहर से खरीद सकता है, उसको भी एक व्यवस्था के अंतर्गत छोड़ दिया जाएगा। एयरपोर्ट के बाहर ही यात्रियों की डिटेल ली जाएगी और वह कहाँ जाना चाहते हैं, कहाँ से आ रहे हैं और यात्री फॉर्म भरने के बाद ही अंदर प्रवेश कर सकेगा। लौटने वाले यात्रियों का चेकअप किया जाएगा और यदि वो थोड़ा बहुत भी संदिग्ध पाया जाता है तो उसको एम्बुलेंस के माध्यम से भेजने की व्यवस्था भी यहाँ पर की जाएगी। कोई व्यक्ति जो है अगर हड़बड़ में यहाँ पे आ रहा है और उसके जेब में सैनिटाइजर नहीं है तो वो जो है बाहर खरीद सकता है। ये भी मैंने अथॉरिटी से कहा है कि उसको भी एक व्यवस्था के रूप में जोड़ लें। और मास्क और सैनिटाइजर जरूरी है यात्रा के लिए, तो ये दोनों चीजें यात्री के पास में रहना चाहिए। 25 मई से जो है हवाई सेवाएं जो है वो शुरू होने वाली है और यहाँ पर व्यवस्थाओं का जायजा लेने एयरपोर्ट अथॉरिटी के अध्यक्ष और रायपुर सांसद सुनील सोनी जो है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, जो एयरपोर्ट पर तमाम जो व्यवस्थाएं हैं उसका जायजा ले रहे हैं और साथ ही जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनका भी निर्देश दे रहे हैं। उन निर्देश में ये कहा गया है कि जितने भी वहाँ पर जो सैनिटाइजर है अगर कोई जल्दबाजी में अगर एयरपोर्ट आता है तो यहाँ पर भी उनके लिए सैनिटाइजर की व्यवस्था जो है वो की जाएगी। बाहर में जो एयरपोर्ट के बाहर वहाँ पर स्टॉल लगा जाएंगे और उन्हें बराबर जो है सैनिटाइजर दिया जाएगा और यहाँ पर जो अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं और उनसे ये कहा जा रहा है कि प्रॉपर जो है हर एक एक थर्मल स्क्रीनिंग के माध्यम से उनकी जांच की जाए और साथ ही सभी को सोशल डिस्टेंसिंग बनाने के भी जो निर्देश है वो दिए जाने के जो निर्देश है वो सुनील सोनी के द्वारा दिया जा रहा है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि हर एक एक के पास जिसके पास मास्क और सैनिटाइजर नहीं है उसे प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। और साथ ही आपको बता दें कि एयरपोर्ट में प्रवेश करने वाले यात्रियों के पास आरोग्य सेतु ऐप होना भी अनिवार्य। कैमरामैन जगन्नाथ राव के साथ सुप्रिया पांडे, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर। बागली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बिजली बिल माफ करने